की पहली ऐसी चीज है जो इतने सालों से चल रही है। कोरोना ने हमारे दिलो दिमाग पर भी बहुत बुरा असर डाला है। सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुई और थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। तो इस कोरोना ने हम सबको बहुत मेंटल स्ट्रेस दी है, तो आइए क्यों ना इसी कोरोना पर ही कुछ डिस्ट्रेस किया जाए हंसी के फव्वारों से। तो पेश है, कोरोना ने छीन लिया लड़कियों का नूर, कोरोना ने छीन लिया लड़कियों का नूर, मेकअप को छोड़कर मुंह ढकने पर है मजबूर। इस बार कोरोना का देखिए गजब का खेल, इस बार कोरोना का देखिए गजब का खेल, एग्जाम में बच्चे नहीं एग्जाम हो रहे फेल। जो नहीं करेगा बार बार ढंग से हाथ साफ, जो नहीं करेगा बार बार ढंग से हाथ साफ, कोरोना करवाएगा उससे बार बार नाक साफ। भारत पूरी दुनिया से अलग है तो इसकी समस्याएं भी पूरी दुनिया से अलग है। कैसे, आइए देखें। यहाँ समस्या ये नहीं है कि मास्क महंगा है, यहाँ ये समस्या नहीं है कि मास्क महंगा है, समस्या ये है कि मास्क लगाकर गुटखा कैसे थूके। यहाँ समस्या ये नहीं है कि अल्कोहल से कोरोना वायरस मरता है कि नहीं, समस्या ये है कि जब सभी इससे हाथ धोएंगे तो हम पिएंगे क्या। यहाँ समस्या ये नहीं है कि हमारे आसपास कोरोना तो नहीं फैल रहा, समस्या ये है कि जब सब ऑफिस बंद है, जब सबके ऑफिस बंद है तो हमारे यहाँ का ऑफिस आज तक खुला क्यों है। वर्क फ्रॉम होम से एक गड़बड़ हो गई, वर्क फ्रॉम होम से एक गड़बड़ हो गई, अब घर वालों को भी पता चल गया कि हम ऑफिस में कुछ नहीं करते। कोरोना के चलते पाकिस्तान में भी कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के चलते पाकिस्तान में भी कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम, तो एक ने घर में ही बम फोड़ दिया। तो चलते चलते अब क्योंकि हम सब लॉकडाउन में पिछले दिनों काफ़ी दिन तक रहे, उस समय सोशल मीडिया ही हम सबका सहारा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मानसिक संबल था और फेसबुक भी उसका एक अभिन्न अंग है। तो हमारे अर्जुन जो महाभारत के पात्र हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे, तो पर अर्जुन इसके माया जाल में फंस गए कि वो पोस्ट, उनकी पोस्ट को बहुत कम लाइक्स और कमेंट्स मिलते थे, तो अपनी समस्या को लेकर वो अर्जुन के पास गए और कृष्ण के पास गए, और कृष्ण से वो जब इसके बारे में पूछते हैं तो कृष्ण उन्हें क्या समझाते हैं, आइए सुने। तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, इस दुनिया में तीन तरह के प्राणी हैं, एक जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तो जो तुम्हें पसंद नहीं करते वो तुम्हारी पोस्ट पसंद आने पर भी कभी लाइक या कमेंट नहीं करेंगे। दूसरे जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुम्हारी पोस्ट बिना पढ़े भी और पसंद ना आने पर भी लाइक और कमेंट करते रहेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं तीसरे तरह के प्राणी जो कि आपकी पोस्ट को पसंद भी करेंगे पर किन्हीं कारणोंवश वो लाइक नहीं कर सकते, पर वो किसी न किसी और माध्यम से अपनी पसंद को या अपनी लाइक को जाहिर करेंगे। तो हे पार्थ, ये एक माया जाल जो फेसबुक का है इससे बिल्कुल परेशान ना हो, और जैसा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम कर्म की चिंता ना करो क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और इसके माया जाल में ना फंसो।